तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, लेकर आया हूं मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा यानी कि MBPP 2023-24 की आंसर की। इस वीडियो को दो टाइप के बच्चे देख रहे हैं, पहला वो जो बच्चे इस पेपर को 10 दिसंबर 2023 को देकर के आ गए हैं, तो आप तो आंसर की यानी कि अपने आंसर चेक कर लीजिए, मार्क्स कितने आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना। दूसरे वो बच्चे हैं जो इस पेपर को नेक्स्ट ईयर देखेंगे एज ए सैम्पल पेपर, तो आपको बता दूं कि ये पेपर 9th क्लास में होता है, 3 घंटा 20 मिनट यानी कि 200 प्रश्न होते हैं, 200 मिनट ही होते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल नहीं होता है। अब इसकी जो मेरिट साल कितनी जाएगी वो भी मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो के एंड में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पेपर आपका दो पार्ट में आता है, पहला होता है SAT यानी कि स्कॉलरस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सब्जेक्ट की नॉलेज परख करता है, और दूसरा होता है MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपकी मानसिक योग्यता को टेस्ट करता है। 100 नंबर आपका SAT, 100 नंबर आपका MAT, ठीक है। आइए शुरू करता हूँ पहला प्रश्न। इससे पहले वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें एंड शेयरिंग कर दें अपने दोस्तों को भी, साथ में भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार मिलती रहेगी। 1 से 100 तक MAT। एंड पहला सवाल था कि भाई आपको एक्स का मान दे रखा है 19, वाई का मान दे रखा है 18, तो आपको ये वाला इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना था, तो इसका आंसर है 1 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा भी आपको ये सिंप्लीफिकेशन था एंड इसका आंसर आपका रहेगा सेकंड ऑप्शन है यानी कि 5331। थर्ड भी आपके पास ये इक्वेशन ही है और इसको आपको वैल्यू बतानी थी तो वैल्यू इसकी 50 होगी। चौथे प्रश्न का आंसर आपका रहेगा 15/2। जो पांचवा प्रश्न है वहाँ पर भी आप देखेंगे √18, √50, √19, 98, तो इसकी श्रेणी में आपको अगला नंबर क्या आएगा, तो अगला नंबर आएगा आपके पास 162, तो ये एक सीरियल पैटर्न पे अगला नंबर आपका 162 अंडर रूट आएगा। अगला जो है यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है भाई कोई समवृत्तीय शंकु है ना, शंकु तो आप जानते ही हैं, तो इस शंकु का आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई 100% बढ़ा दी जाए तो आधार की त्रिज्या को 50% कम की जाती है, तो शंकु का आपको आयतन बताना है ना, तो क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम इसका 25% में इसमें कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके लिए सातवां है, तो यहाँ पर आपको एक्स का भी एक्स और वाई दे रखा है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना था, वैल्यू बतानी थी, तो इसका 0 आंसर आएगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो भी फर्स्ट जो आपके एवरेज होंगे फर्स्ट ऑड नंबर्स, तो उसका क्या रहेगा भाई 50 औसत यानी कि एवरेज आपको बताना है, तो औसत उसका 50 ही रहेगा। अब यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी थी क्या होगी जिसमें 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे एंड 9 से भाग देने पर कोई शेष ही ना बचे, तो भैया सिंपल सी बात है वो आपका रहता है 243 यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर एक पैटर्न आपको दे रखा था, इस पैटर्न को आपको सॉल्व करना था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24, 18 और 3 का क्या कनेक्शन है, 74, 38, 8 का क्या कनेक्शन है, उसी तरह से 64, 62 में क्वेश्चन मार्क में आपका 9 आएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर, तो फिर से एक पैटर्न है और इस पैटर्न को ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स का अलग रिलेशन है, सेम रिलेशन इस बॉक्स का है, सेम रिलेशन आपको इस बॉक्स में भी बताना है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपका 203 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो देखिए एक पैटर्न था और इस पैटर्न को आपको देखना था, यहाँ पे आप देखोगे तो इन तीनों को 14 को 4 को और 2 को इन दोनों को जोड़ दिया, 14 गुणा 4 तो 14 चौक 56 होता है, इसी तरह से 3 और 2 5 को आपने 16 से गुणा कर दिया, 16 पंजे 80 हो गया, इसी तरह से आपको इन दोनों की गुणा इससे करनी है तो आपका 203 आएगा, ठीक है। मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, सॉल्व आप बाद में कर सकते हैं, मैं कर दूँ आपको अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो। यहाँ पर आपको एक पैटर्न यहाँ पर दे रखा है और ये आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है, तो यहाँ पर 100 आएगा। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाई थी और इसी टाइप के आपको जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर 2 संख्याएं ज्ञात करनी है आपको जिनका अंतर यानी कि डिफरेंस तो 40 है तथा उसके अनुपात का सरलतम भिन्नात्मक 2/7 है ना,
तो फ्रैक्शन आपको 2/7 है, तो वो क्या रहे आपके जो अंक है वो है 16 और 56 है, दोनों अंक हैं। और दूसरा देखें, आगे बढ़ने से पहले सूचना आपके लिए कि भाई हमारा आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई उन्हें पता ही नहीं चलता अपडेट, तो हमारा चैनल है, एक व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आपको फ्री में सारी अपडेट मिलती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखो सिंपल सा आंसर है, कई बार हमारा बहुत सिंपल सवाल होता है, 40 का जो है डिफरेंस आपको बताना है, तो सिर्फ इसी में 40 का डिफरेंस है, बाकी किसी में डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। हालांकि इसमें तो खैर कितना, हाँ 40 का डिफरेंस है, बट यहाँ पर आपको ये भी बताना था कि उसका जो है 2/7 भिन्न है या नहीं है। आगे देखेंगे तो अगला सवाल आपको क्या करना था, यहाँ पर विषम संख्या यानी कि अलग बताना था, ये तीनों का एक पैटर्न है बट ये वाला भिन्न है, अलग बताना है आपको। इसी के साथ अगर हम 15 की बात करेंगे तो 15 आपका 53 आंसर आएगा, यहाँ पर 16 देखेंगे तो ये घन है, ये सारे के सारे जो है आपके एक तरह से मतलब सिंपल से हैं, लेकिन ये घन आपका क्यूब है, बाकी जो एंगल है वो आपकी 4 भुजाएँ हैं, लेकिन क्यूब में 6 भुजाएँ होती है और त्रिभुज में भी 3 भुजाएँ होती है। हालांकि 17वां सवाल है आपका 15, क्या करना था आपको, 5:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनेगा। तो यार सिंपल सा आपको घड़ी बनानी थी, और यहाँ पर आपको देखेंगे तो 6 यहाँ पर होता, तो 5 ये रहा एंड इस तरह से आता और इस तरह से आता, तो कितना 15 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अगला देखेंगे आपका 18वां, तो 18वें में आपको ये संबंध बताना था और उस संबंध आपका जो है 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है। 19वां देखेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर निकालना था, देखो 4 साल के अंतराल के बाद अगर 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो मान लीजिए आपको 3 साल से निकाल लिए, ठीक है, 3 उत्तर हैं, माना पहला 3 है तो दूसरा कितना होगा 7 होगा, तीसरा 7×4=11 होगा, तो इसी तरह से आपको बढ़ना था और 78 उसका आंसर मतलब योग आएगा, तो ये आंसर 3 है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 3 है, इसको आपको वैल्यू करनी थी। यदि 2 अंकों की संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है तो उसका जो आंसर है 1/3 होगा, उसी के साथ ही जो 22 का आंसर है वो रहेगा 5/2। 23वां का देखेंगे तो 23वें का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है, 24 का 60 किलोग्राम यानी कि सी ऑप्शन, 25वें का आंसर 4 आएगा, 26 का जो है आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 27वां देखेंगे तो 27वें का तो ऑप्शन 2 पे 3 आएगा आंसर, 28वें का पहला ऑप्शन करेक्ट है, 29 का दूसरा है, 30 का 720 किलोमीटर, इसकी जो है कितनी दूरी, तो टोटल दूरी इसकी 720 किलोमीटर आएगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊं मैं तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। और 31वें का आपका आएगा अप्रैल से जुलाई तक, यानी कि 4th ऑप्शन है। 32वें का 8 आंसर आएगा, है ना, तो 200 ग्राम में आपको सिंपल सा था कि भाई यदि 1/4 किलो प्याज की कीमत 10 रुपये है, तो 10 रुपये 1/4 की कीमत है, है ना, 250 ग्राम की, आपको 100 ग्राम का निकालना है, तो 100 ग्राम का कितना होगा, आप ये मान के चलिए 100 ग्राम का आपका हो जाएगा 2 रुपये, ठीक है, सॉरी 4 रुपये, 4 रुपये होगा, तो 4 रुपये 100 ग्राम के हैं, तो 200 ग्राम के 8 रुपये हो गए, है ना, सिंपल सा था। इसी तरह से आपको इस सुई वाला फिर से एंगल यहाँ पे बताना था, 130 डिग्री का एंगल बनेगा, संख्याओं के योग में आपको गलत क्रम बताना है, तो ये गलत कौन सा हो गया आपका, 150 गलत आंसर है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 35वें का आपका 57% जो है वो फेल हुए थे बच्चे, 36वें का 60 वर्ष है, 37 का 3rd ऑप्शन है 4 किलोग्राम, 38 का 1st ऑप्शन है 40 रुपये, 39 का है 117 यानी कि 2nd ऑप्शन, 40 का जो गायों की आपको संख्या बतानी थी तो 15 है, और 15×60 उनके पैर हो गए, इसी तरह से बतख के 2 पैर होते हैं, है ना, तो ये आपको देखना था। अब यहाँ पर आपको श्रृंखला पूरी करनी है, और क्या करना है आपको, ये सीरीज़ है, और इस सीरीज़ के मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बताए थे, यहाँ पर ये वाला सवाल मुझे डाउट लगा, तो थोड़ा सा ये पेशेंस वेट करें आप इसमें,
अगला यहाँ पर आपको ये भी जो है इसमें सभी बच्चों को पूरा आंसर मिल सकता है 41 में, यानी कि आपने कोई सा भी टिक किया हो आपको करेक्ट सभी को सब पूरे नंबर मिलेंगे। भैया इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर 479 आंसर आएगा, 43वें का आपका 2500 यानी कि सी ऑप्शन है, 44 का आपका शनिवार आएगा, है ना, 15 अगस्त को मंगलवार है तो 26 जनवरी को क्या आएगा तो ये शनिवार आंसर आएगा 4th ऑप्शन। थोड़ा सा ब्लर भी यहाँ पर आ रहा है पेपर, तो भाई 45वां देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर एक आपको आलेख दे रखा था, ये जो डायग्राम वगैरह ग्राफ है तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर निकालने थे। और आप बाकी मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगा भाई आपका मेरिट इस बार कितना जाएगा, तो 46 का 4th, 47 का भी 4th है, 48 का 2nd ऑप्शन है 2020, 49 का 2019 सेकंड ऑप्शन है, 50 का 1st ऑप्शन करेक्ट है, 51 का अगर हम देखें तो इसका 2nd ऑप्शन यानी कि X+1 करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 52 का 32 आंसर आएगा सी ऑप्शन, 53 का 1st ऑप्शन है यानी कि 3 आंसर आएगा इसका, एंड 54 का 4th ऑप्शन है यानी कि 1/√2, 55 का 1/√3 आंसर आएगा 1st ऑप्शन, 56 का 3 ऑप्शन, 3 ही आंसर आएगा, एंड 57 में आपको फिर से यहाँ पर बताना था भाई क्वेश्चन मार्क में, तो 8 आंसर आपका आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 वर्णों को विपरीत कर दिया जाए, है ना, पहले 10 को अपने विपरीत उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर आपको बताना था कि भाई 12वें वर्ण के दाएं में कौन सा 7वां वर्ण होगा, तो ये आपका एच रहेगा यानी कि 3rd ऑप्शन। इसी तरह से आपको पहले 59 में पहला ऑप्शन करेक्ट है, 60 में पहला है, 61 में 4th ऑप्शन, 62 में 1st ऑप्शन, 63 में 2nd ऑप्शन, 64 का 1st, 65 का 1st ऑप्शन, 66 का 2nd ऑप्शन है, 67 का 3rd ऑप्शन करेक्ट है, 68 का 1st ऑप्शन करेक्ट है। और आप जो है हमारे चैनल पे सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको इन फ्यूचर सारी अपडेट मिलती रहेगी, एंड एजुकेशनल अपडेट होगी वगैरह वगैरह ना, तो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। साथ में आप हिंदी की बेटर तैयारी हमारे चैनल पे कर सकते हैं, ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए। 78 का आपको रिलेशन बताना था भाई, दीपिका यहाँ पर गलत था, तो ये दीपिका नहीं, ये दीपक ही है ना, तो दीपक के क्या लगेंगे, वो चाचा लगेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है, तो ये अगले में तो भाई उसकी माता होगी, है ना, महिला से क्या संबंध अभिजीत का, तो उसकी माता है। 80 का सबसे बड़ी बताना था आपको, तो ज्योति उसका सबसे करेक्ट आंसर आएगा, एंड 81 में सबसे कम ऊंचाई जो है सीता की है, और ये ऊंचाई वाले अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि किस टाइप का आपको आंसर निकालना है। 82 में फिर से आपको रिलेशन बताना है कि बी सी से, तो बी सी का चाचा लगेगा। इसी तरह से आपको 83 में अलग जो डिफरेंट है वो बताना है, तो इसका 15 आंसर आएगा। देखो सारे जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 15 जो है वो 3 का 5 का इसमें भाग चला जाएगा। इसी तरह से 84 का आपको 343, तो बाकी सारे क्यूब हैं भाई, है ना, सॉरी स्क्वायर हैं, बाकी सारे अंक जो क्यूब हैं, लेकिन ये वाला जो है आपका क्यूब नहीं है, तो इसलिए 2nd ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे तो एक रिलेशन जो है 85 में भी आ रहा है, तो NL यानी कि इसमें दो दो का ऑप्शन होगा। आप देखेंगे यहाँ पर ZW में दो का है, इनमें भी दो का गैप है, इनमें भी दो का है, लेकिन इसमें NK एक ही का गैप है। यहाँ पर देखो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो टाइफाइड जो है इसका डिफरेंट हो जाएगा। 87 का जो है यहाँ पर कुल कितने घन बनेंगे, तो घन आपके 64 घन बनेंगे, ठीक है। इसकी तरह से आगे देखेंगे तो 88 का जो है सी ऑप्शन 24, 89 का 2nd ऑप्शन 8, 90 का 8 यानी कि 2nd ऑप्शन, 91 का 24, 92 का 9 आंसर आएगा, एंड 93 का 4th ऑप्शन 10th, 94 का 2 ऑप्शन है। और ये जो है ये डाइस वाले भी बहुत गजब के सवाल होते हैं, मज़ा आता है इनको करने में भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 95 का 1st ऑप्शन करेक्ट है, 96 का 1st ऑप्शन, 97 का 3rd ऑप्शन, एंड 98 का आपका रहेगा, हाँ यस बिल्कुल करेक्ट है, 30 आंसर आएगा।
यानी कि सेकंड ऑप्शन 99 यहाँ पे आपको बताना था भाई आकृति कौन सी होगी। तो अगला जो है श्रृंखला को पूरा करना था आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड 100 में भी आपको सेम आकृति बतानी थी एंड फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके जो MAT में 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो यार कमेंट में ज़रूर बताइए MAT का, ठीक है। अब हम SAT की बात करें तो ISAT के भी देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है मैथ भी रहती है आपके लिए, साइंस भी रहती है, साथ में आपको SST भी रहती है ना, तो अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो मैथ का सवाल है, एक लड़का जो 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा चलता है, तो अब ये भी मैंने आपको बताया था भाई सेंटर पॉइंट में उत्तर को कहाँ जा रहा है, फिर वो पश्चिम की तरफ कैसे मुड़ रहा है ना, तो ये सारा आपको डायग्राम बना करके इसका आंसर 5 किलोमीटर है। 102 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 103 का जो है थर्ड ऑप्शन है, 104 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 105 का 105 का रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, 106 का सेकंड ऑप्शन है, 107 का फोर्थ ऑप्शन किसी गतिशील वस्तु का वेग एक दी गई दिशा में गति है, 108 का जो आंसर है करेक्ट एक तरंग धैर्य यानी कि धैर्य पहला ऑप्शन करेक्ट है, 109 का सेकंड ऑप्शन 1 मीटर प्रति सेकेंड, 110 का है चौथा ऑप्शन करेक्ट है 0, 111 का है थर्ड, 112 का फर्स्ट, 113 का सेकंड ऑप्शन। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ आंसर की, ताकि आप अपने आंसर चेक कर लो। 114 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 115 का सेकंड ऑप्शन है, 116 का फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पर आ जाता है 117 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 118 का सेकंड ऑप्शन है, 119 का फोर्थ ऑप्शन है, 120 में आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बतानी है, तो ये 18 यानी कि 18 होगी, 121 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 122 में आपको फोर्थ ऑप्शन यानी कि 2.0 ग्राम H2, 123 में आपका सेकंड ऑप्शन है, 124 में थर्ड, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 125 में फर्स्ट ऑप्शन रक्त यानी कि ब्लड, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ब्लड का, 126 में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से अब हो सके। एंड बाय द वे कई बार हम भी मिस्टेक में हो जाएं, क्योंकि आपके लिए जल्दी से आंसर की निकालनी थी, तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको लगे डाउट में तो आप कमेंट में ज़रूर प्रश्न को बताएं कि भाई मैंने कौन सा आंसर बताया है और आपको कौन सा आंसर लग रहा है। 127 का जो है सेकेंड ऑप्शन है, 128 का सेकेंड, 129 भी सेकेंड है, एंड 130 में आपका थर्ड ऑप्शन, 131 में फर्स्ट है, 132 में सेकेंड है, 133 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 134 में थर्ड सेकेंड। स्पर्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका क्या अर्थ है, तो स्पर्मा जो है वो आपका बीज होता है ना, तो इसी से जो स्पर्म बना, तो स्पर्म और स्पर्मा जो है दोनों बीज को है ना। तो 136 में जो है सेकेंड ऑप्शन, 137 का थर्ड ऑप्शन, 138 का यस बिल्कुल थर्ड है, सहजीवी और मुक्त जीवी, 139 का है फोर्थ ऑप्शन, 140 का है फोर्थ ऑप्शन, 141 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा 17/9, 142 का है आपको 322 यानी कि सेकंड ऑप्शन, 143 का 35 थर्ड सेकंड ऑप्शन, 144 का आपका थर्ड ऑप्शन, 145 का अंडर रूट 32 सेंटीमीटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, 146 का सेकंड ऑप्शन है, 147 का सेकंड ऑप्शन है सेवन है, 148 का 29 आंसर फोर्थ ऑप्शन के साथ, 149 का आपका यहाँ पर आपको जो है मान बताना था कोण PQR है ना, तो PQR कहाँ है भाई, PQR जो है ये रहा PQR है ना, तो ये आपको बताना था कि ये कितना है, तो ये आपका रहेगा 60 डिग्री का, देखिए ये 60 डिग्री हो गया ना, एक सौ पचास का फर्स्ट ऑप्शन है, 151 का भी फर्स्ट है, 152 भी फर्स्ट है, 153 थर्ड, 154 थर्ड, 155 फर्स्ट ऑप्शन, 19 x का मान यहाँ पर 19 आएगा, मीन मीडियन जो है ना
उसके बाद 156 का 43 सेकेंड ऑप्शन, 157 का आपका फोर्थ ऑप्शन, 158 का फर्स्ट है, 159 का फोर्थ ऑप्शन, 160 का फोर्थ ऑप्शन है, 161 का चार ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन के साथ, 162 सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, तो ये रूसो हैं फर्स्ट ऑप्शन, 163 का सी के नायडू है भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कैप्टन, 164 में आपका फर्स्ट ऑप्शन है, 165 का सेकंड ऑप्शन, 166 का सत्ता विभाजन का प्रमुख सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू, 167 का रॉबर्ट ओवेन यानी कि सेकंड ऑप्शन, 100 मार्सिले, तो मार्सिले क्या है भाई, यह फ्रांस का राष्ट्रगान है ठीक है, जैसे 169 का आपका श्रीलंका यानी कि फोर्थ ऑप्शन, 170 का वेसा मुंडा यानी कि सेकंड ऑप्शन, 171 का टीथ यानी कि चर्च द्वारा किसानों से लिया गया कर जो है उसे टीथ कहा जाता है, 172 का सिक्किम, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा तीन देशों से मिलती है, तो सिक्किम की तीन देशों से मिलती है, 173 में फोर्थ ऑप्शन हो गया, 174 का थर्ड ऑप्शन, 175 का फोर्थ ऑप्शन अक्टूबर नवंबर, 176 का फोर्थ ऑप्शन है, 177 का फोर्थ ऑप्शन दुधवा, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दुधवा, 178 बिहार में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो यार जनसंख्या के मामले में तो बिहार में अनलिमिटेड होता नहीं, वैसे यूपी में ज़्यादा है लेकिन फिलहाल यूपी यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो फिर बिहार है, हिमाचल की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक उसे कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका हमारे गांव के पास में है, तो ये आपका पड़ेगा रामनगर उत्तराखंड में है ना, तो क्योंकि मैं भी उधर का ही हूँ रामनगर का ही, इसलिए ये अच्छे से यहाँ कई बार हम घूमने भी गए, बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप कहीं उत्तराखंड में कौन सी जगह घूमने गए हो। 181 में फोर्थ ऑप्शन, 182 का फर्स्ट ऑप्शन है केरल, 183 का 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है ना, 174 का संसद से अभिप्राय होता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं, 185 बाल श्रम का निषेध कौन सा मौलिक अधिकार करता है अनुच्छेद 23। लोकसभा के लिए चुनावी क्षेत्र निम्न पर आधारित होता है, आबादी पर, 187 का सी, 188 का सी यानी कि थर्ड संसद, 190 का है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, चीन की संसद का क्या नाम था, 190 का है अनुच्छेद 21 ए यानी कि थर्ड ऑप्शन, 191 का थर्ड ऑप्शन, 192 का भी थर्ड ऑप्शन एंड 193 का भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु भाई 25 वर्ष है, चुनाव लड़ने के लिए है ना, वोट देने के लिए नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए, कहीं आप 18 ना समझे। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति तो भाई अनाज से है ना, 195 अमूल संबंधित है गुजरात से, 196 का है इनमें से तृतीय क्षेत्र, तो भाई तृतीय तो एजुकेशन ही रहेगा एंड 197 का स्थिर पूंजी मशीन और उपकरण है ना, मशीन और उपकरण जो है ये नष्ट नहीं होते हैं तो स्थिर पूंजी रहती है, 198 का बंगाल हो गया है, 199 का बेरोजगारी में वृद्धि किस अर्थव्यवस्था का सूचक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, मंदीग्रस्त सभी हैं एंड 200 का सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया जाता है, सिंपल सा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यानी कि 8वीं तक, तो 8वीं तक रहता है 6 से 14 साल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बाकी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अब आपके एस ए टी में कितने आ रहे हैं ठीक है, तो इंडिविजुअल सेपरेट लिखेंगे, एस ए टी में कितने आ रहे हैं एंड एम ए टी में आपके कितने आ रहे हैं और टोटल आपके कितने आ रहे हैं ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता दूं कि जो टोटल मेरिट है, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं था इस बार, तो जो मेरिट है ना वो मेरिट आप देख सकते हैं कि पिछले साल की मैंने पूरी सभी कैटेगरी वाइज डोमेन सॉरी कैटेगरी वाइज मेरिट डाली थी, तो आप ये मान के चले कि जनरल वालों को 40% प्लस लाना होता है, एससी और ओबीसी वालों को, एससी वालों का 30% रहता है, ओबीसी वालों के लिए 32% ऐसा कुछ होता है,
तो आप ये मान के चलिए कि जो मैरिड हैं आपका 50% 100, तो अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100 है ना, 100 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए। कितने आ रहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग कर दो, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। धन्यवाद।